सन 1865 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में अमेरिकन कजिन नाटक देखते वक्त गोली मार दी गई थी। लिंकन को गोली मारने वाले जॉन वैक्स बूथ को 10 दिन बाद वर्जीनिया के एक फार्म में अमेरिकी सैनिकों ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। आज ही के दिन सन 1891 में दलित राजनीतिक नेता और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर ने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में सर्वव्यापित जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिताया। बाबा साहेब अंबेडकर को अपने अहम योगदान के लिए भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया। सन 1911 में आज ही के दिन शानो शौकत से भरपूर टाइटैनिक जहाज समुद्र में सफर करते समय हिमखंड से टकरा गया था। टाइटैनिक का निर्माण इस तरह से हुआ था कि यह कभी डूबेगा नहीं, लेकिन अपनी समुद्र यात्रा के पांचवें दिन एक हिमखंड से टकराकर यह जहाज डूब गया। इस घटना में 1517 लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन सन 1963 में हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का निधन हुआ था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा वृत्तांत तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान किए। बौद्ध धर्म पर इनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया था। और सन 1988 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला लिया था। पूर्व सोवियत संघ ने अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जिनेवा में एक समझौता किया था, जिसके तहत सोवियत संघ को अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाना था।